देश की राजधानी में दो दिन हुए G20 आयोजन पर मोदी सरकार ने 4,100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए उड़ा दिए। जी हां, अपनी झूठी शानो शौकत दिखाने के चक्कर में पीएम मोदी ने G20 के लिए आवंटित बजट से 4 गुना ज्यादा खर्च कर दिया। G20 सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए 990 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, लेकिन मोदी सरकार ने 4,100 करोड़ से भी ज्यादा खर्च कर दिए। दरअसल मोदी जी ने ये करोड़ों का खर्चा अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अपनी छवि चमकाने के लिए किया है। आपके पैसे को अपनी इमेज सुधारने के लिए जमकर खर्च किया। अपने प्रचार प्रसार के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए। सड़कों पर मोदी के बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए। मेहमान की नज़र किसी गरीब भारतीय पर ना पड़ जाए, उसके लिए गरीबों की बस्तियां छुपा दी गईं। बेजुबान पर बेतहाशा जुल्म किया गया। देश भर के सारे पकवान बनाए गए और उन्हें सोने चांदी के थाली में परोसा गया और फिर दिन रात टेलीविजन पर अपना गुणगान करवाया गया। और ये सब प्रधानमंत्री ने 2024 चुनाव से पहले अपनी झूठी वाहवाही कराने के लिए किया। ये सारा तामझाम और चमक धमक आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए किया गया, ताकि आप मोदी सरकार की 9 साल की नाकामियां भूल जाएं, मणिपुर की महिलाओं का हाल भूल जाएं, महीनों सड़कों पर बदहाल किसानों को भूल जाएं, आप भूल जाएं कि आपका पढ़ा लिखा बेटा बेरोजगार है, आप भूल जाएं कि काला धन लाने के नाम पर आपका पैसा मोदी जी ने अपने मित्रों पर उड़ा दिया, आप भूल जाएं कि आपके बच्चे को भी सांप्रदायिक आग में झोंक दिया गया। पंत प्रधान को अच्छे से पता है कि उसकी कुर्सी खतरे में है, बस इसीलिए उन्होंने अपने पैसे से G20 में अपनी छवि चमकाने का काम किया है।